Hello and welcome to top 69th podcast of India and only podcast of Goa. So we have our guest with us Mr Kunal Kunal Kunal, Kunal yeah. Raj is the best guy in Goa. Yeah. Huh. Yeah. yeah. So yeah we can start with the podcast. Okay so we can start right? Yeah. Now we are starting with the podcast. Okay. Mr Kunal how's your life going? See, life is actually going really well. Thanks first of all thanks. Okay for... so like

Homie and uh, someone who comes on the first call, basically call boy. Which, uh, sorry, sorry. <laughs> so so everyone who has been following three winners now three XP he must know Vijay dage because he has been in most of the videos. He's a great actor, great personality, and also you know, yeah, great apps as well. <laughs> so what is this? Ah, yeah, man, yeah, man, great, great, yeah, yeah, great apps. We'll zoom into here. So what is this episode all about? लेट्स डाइविन डायरेक्टली आफ्टर दिस इंट्रो तो विजय वेलकम टू द पॉडकास्ट एंड आई स्टिल रिमेंबर लाइक वैन वी डीड्स आ फर्स्ट पॉडकास्ट राइट दस सब्सक्राइबर्स से शुरू किया था और आज लाइक like, एक मिलियन में सिर्फ नौ लाख अट्ठानवे हजार कम है यू नो सो वॉट डू यू फील या स्मॉल अमाउंट राइट डू यू थिंक की पॉडकास्ट का फ्यूचर है अरे बहुत फ्यूचर है जैसे कि तुमने देखा इतना ग्रोथ लाइक ऑलमोस्ट वन मिलियन पहुंचने आए हम लोग सिर्फ नाइन लैक इन सम बाकी है यस यस हिसाब से मुझे लगता है काफी मस्त ग्रोथ है तू करते रहना चाहिए पॉडकास्ट मैं देखता हूँ मजा आता है यार देखता है इतने सारे गेस्ट आते है हाँ, अच्छा लगता है हाँ, कुछ तो अलग लाइफ में लेकिन मैंने सुना है कि तो उसमें से सिर्फ लड़कियों को सुनता है वैसा कुछ है

दो टाइप्स है यहाँ पर एक तो ऑडिशन के लिए जाते हैं वहाँ पर उसमें क्या होता है अगर खुद का कंटेंट कोई कोई लोग होते हैं कि खुद ही टैलेंटेड होते हैं उनको ऑडिशन की जरूरत नहीं खुद का कंटेंट निकाल के फेमस हो सकते हैं तो क्यों वहाँ पर ऑडिशन को जाना को है हाँ क्यों ऑडिशन को जाना है उतनी लाइन में रुकना है पूरे ठोकरे खाना है घर पर बैठ के अपना कर लो ना खुद ही जो चाहिए वो कर दो क्रिएट हाँ बाद में इनडायरेक्टली उनको मिल जाएगा आगे जाकर चांस ऐसे नहीं कि ऑडिशन को ही जाना है अगर आपको जल्दी मतलब है सही में आपके अंदर वो स्पार्क है आपको लगता है ऑडिशन देके आप कर सकते तो फाइन ऑडिशन देके करो डू यू सी एनी चेंज इन द पॉडकास्ट एज वी ग्रो लाइक हाउ इज इट फ्रॉम फर्स्ट एंड दिफ्टी पॉडकास्ट काफ़ी इम्प्रूव हुआ है बहुत मतलब इन एवरी वे क्वालिटी कंटेंट गेस्ट भी अरे हाँ सर Tell us about your journey to Mumbai and how it it is is going on। I feel slowed down. That's why I wanted to know कि क्या है अभी Starting में जब मैं गया था December में वो time पे ना वहाँ पर like नाटक वगैरह चालू थे सो मैं पार्टिसिपेट करता था लेकिन अभी क्या बारिश का सीजन आ रहा है तो बारिश में मुंबई पानी से पूरी जाम होती है वहाँ पर रह के फ़ायदा क्या तो मैं तो उतने शोज नहीं रहेंगे वहाँ पर तो ये आ, आ गया सेविंग्स करते थोड़ा वापस चले जाते वापस नवंबर महीना आएगा अक्टूबर महीना आएगा तो वापस धक्के वापस धक्के खाए मतलब नाटक करेगा नी डॉक्यूमेंट कर रहा था मैं पूरा डॉक्यूमेंटिंग वगैरह लेकिन कुछ ज्यादा ही धक्के लग रहे थे तो ज्यादा धक्के पा रहा हूँ बनता है इस बार जब जाएगा तब क्या yeah, करेगा

एक एक तरह प्रोफेशनल भी रहना चाहिए ऐसे hmm. ये कैंसिल वगैरह करना फालतू चीज़ है नॉट ऑल द टाइम लेकिन yeah. फुल एफर्ट्स तो डालने चाहिए एटलीस्ट hmm. कैंसिल कर रहे तो उसके पीछे एफर्ट्स रहने चाहिए कि यार चल इसने एफर्ट्स डाला ah. था लेकिन फिर भी नहीं हो पाया तो यार बिकॉज आई हैव कि इफ़ आई हैव हंड्रेड परसेंट रिस्पेक्ट फॉर यू एंड इफ यू इफ यू यू नो कैंसल और एट द लास्ट मोमेंट देन चूती है <laughs> <laughs> इतनी तैयारी की थी साला देन योर रिस्पेक्ट बिकम्स हाफ और इट विल बिकम लाइक आई आई रिस्पेक्ट बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट आई ऑल्सो तो वो बात है बिकॉज वी पुट लॉट ऑफ टाइम एनर्जी या अगर मुझे कुछ शूट था इट वॉज वर्थ ट्वेंटी थाउजेंड फोर्टी थाउजेंड एंड आई प्लान आई कैंसल दैट शूट और आई पोस्टपोन दैट शूट क्योंकि तू आने वाला है लाइक द आर्टिस्ट इज सपोज टू कम एंड इफ यू कैंसल दट दैट मोमेंट दैट दिल से बुरा लगता है हाँ, बुरा तो लगे एक तो ऐसे इसके लिए बीस हजार का ऊपर से आया भी नहीं चला वॉट अबाउट द टाइम ऑफ स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट लाइक जो भी यू you नो know, uh, जो जैसे अभी हम लोग क्राउड आर्टिस्ट के लिए काम करते हैं एंड देयर द पीपल आर लाइक देर सी हाँ भाई मेरे को दिन का फाइव हंड्रेड मिल रहा है एंड देन दे डू द वर्क एंड दे डोंट गेट पेड ऑल्सो फॉर देट होता है जब बोलते कि लाइक यू हैव वर्क फॉर द एंटायर डे ना तूने एंटायर डे दिया है और बाद में वो जो 600 800 भी मिलने वाला है वो भी नहीं मिलता है कभी सामने आओ ऐसा करके दिखाओ पता चलेगा कहीं <laughs> सही <laughs> में <laughs> <laughs> क्या झक मारने के लिए आया थे <laughs> 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 क्या झक मारने के लिए समझाने का <laughs> <laughs> नहीं सर दिन भर यहाँ झक मार रहा हूँ और तुम लोग लास्ट लो में पैसा भी नहीं दे रहे मतलब क्या चूतिया गिरी मैं टाइम डाला अपना इतना एनर्जी डाला मैं अपना डाइट कॉम्प्रोमाइज़ किया सब कुछ किया hmm. लोकल से धक्के खाते हुए आया hmm. और लास्ट में यहाँ पे आके क्या एक अच्छा एक दो चार डायलॉग्स भी डायलॉग्स तो दे दो अगर पैसा नहीं देना डायलॉग्स ही दे दो uh. मैं उसमें भी खुश हैड एनीथिंग कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ है मुंबई में लाइक विच हैज़ मोटिवेटेड यू टू और विच like, हैजिटेड नहीं डीमोटिवेट तो सिर्फ फाइनेंशियली था हाँ। और कुछ नहीं मोटिवेट काफ़ी सारी चीज़ों ने की जैसे कि लाइक मैं एक नाटक करता था उसमें मेरे फ्रेंड्स वगैरह सब हम साथ में रिहर्सल वगैरह करते थे okay. तो वो फ्रेंड्स मेरे सीरियल्स में काम करते हैं सो लाइक लगता है कि मैं भी ऐसे और वो लोग ना वहाँ पे है दस साल से है कोई छः साल से है तो उतना टाइम देना पड़ता है अगर तुझे कुछ करना है ना तो एक पाँच साल तो कुछ सोचना ही नहीं कि मैं मैं कुछ बड़े प्लेटफॉर्म पे आऊँगा क्या होगा बस सिर्फ नाटक करना है स्ट्रगल करना है जूनियर आर्टिस्ट करना है जो कुछ भी है वो करना है भरोसा रखो पेशेंस रखो बनेगा का कामयाब अगर टैलेंट है तो वरना फालतू में तेरे में टैलेंट नहीं पैशन नहीं कुछ नहीं तो ऐसे ही जा रहा है मैं बनेगा 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 वैसे नहीं चलेगा टैलेंट नहीं है तो बाद में हार्डवर्क करो और तुम वो डेवलप करो स्किल्स अब तुम अपना हंड्रेड परसेंट टू हंड्रेड परसेंट नहीं दे रहे हो ऐसे जाना इसलिए जा रहे हो और कर रहे हो तो बाद में वो सक्सेस और फिर बोलोगे कि सक्सेस ही नहीं मिल रही तो इट डजेंट वर्क लाइक दैट और साला फेक ऑडिशंस मेरा इतना घूमता है ना कभी कभी ऐसे बुलाते हैं हम प्रोफाइल सेंड करते ओके okay? नंबर्स पे तो वो नंबर्स पे प्रोफाइल सेंड किया वो कास्टिंग कंपनी जो बुलाती है वहाँ पे बुला के फिर क्या लोग पैसा बोलने लगते कि सर तीन हजार रजिस्ट्रेन रे, सर ये कार्ड बनाना पड़ेगा हाँ, तो जरूरी यार, जरूरी यार। तो बना चूतिया हाँ। बना लिया मैंने आर्टिस्ट कार्ड चार हजार दे के बाद में मुझे लगा काम मिलेगा अब जब भी कोई आर्टिस्ट कार्ड वाला पूछता है दिखाता हूँ नहीं सर ये वाला नहीं चाहिए मैं कितना आर्टिस्ट कार्ड बनाओ एक आर्टिस्ट की पहचान उसके कार्ड से कर रहे हो या उसके टैलेंट से कर रहे हो बे स्कैम स्कैम हर जगह आर्टिस्ट कार्ड मत बनाना hmm. कभी नहीं बनाना टॉकिंग अबाउट दि फर्स्ट एपिसोड आई स्टिल रिमेम्बर जब हम लोग ने शूट किया था आई वॉज एक्चुअली लूजिंग माई शीट ऑन कैमरा लाइक आई वॉज नॉट लुकिंग एट यू आई वॉज नॉट लुकिंग एट द कैमरा आई वॉज लुकिंग समवेयर एल्स सो एज एन एक्टर हाउ डू यू मेंटेन यूर हाउ डू यू कम्पोज यूर सेल्फ इवन इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ राइट ऑन द स्क्रीन अगर बहुत दिन से लाइक like, बहुत दिन से ब्रेक मिले ब्रेक हो गया एंड देन यू कम सडनली ऑन द स्क्रीन हाउ डू यू मेनटेन द कंपोजर बस कैरेक्टर के अंदर जाना है उतना है और कुछ नहीं है बाकी वन परसेंट थोड़ा कुछ रखना है ध्यान में रखना है कि कहाँ पे कैमरा है क्या पे लाइट्स है ये सब बाकी सिर्फ कैरेक्टर के अंदर जाना है mm. कैमरे के लिए परफॉर्म करो या ना करो mm. बस कैरेक्टर के अंदर जाना है ओके okay, सो so,

Until then we'll have this kind of fun episodes in between and a solo podcast to Aate Rega. So yeah, that is pretty much. Keep listening and we see you in the next one.